हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्लास टेंथ साइंस की एक्टिविटीज़ की सीरीज। एक्टिविटीज़ के अंदर हम वन बाय वन सभी चैप्टर्स की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके देखेंगे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की एक्टिविटीज़। आज हम सबसे पहले वाली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके देखेंगे। इसको मैंने पहले बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके बाद में मैं इसको आगे आपको परफॉर्म करके भी बताऊँगा। तो हमारी पहली एक्टिविटी कहती है कि हमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है। बर्न करने के बाद में उससे क्या आउटकम्स निकलने हैं वो हमारे को समझना है। तो हम देख जानते हैं कि जो मैग्नीशियम होता है, बर्न करने का मतलब होता है उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवानी है। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, साथ में बहुत सारी हीट निकलती है और बहुत सारी लाइट इमिट होती है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये एक वाइट कलर का पाउडर होता है, जिसको मैं अभी आगे करके भी बताऊंगा आप लोगों को। और मैग्नीशियम ऑक्साइड के नेचर के बारे में भी कई बार सवाल पूछा जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है। इसको भी हम अभी हम करके देखेंगे कि ये रेड लिटमस पेपर को क्या करेगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ से आप दो चीज़ें और समझ सकते हो कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसके अलावा इस रिएक्शन में हीट इवोल्व हो रही है, इसलिए एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो हम वो पूछा जा सकता है कि ये वाली रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है। तो ये दो टाइप की रिएक्शन हो सकती है कि दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। और यहाँ पर रिएक्शन में बहुत सारी हीट निकल रही है, इसलिए ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी है। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। इसी को हम आगे अगर परफॉर्म करके देखें, अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड में थोड़ा सा पानी मिला के देखें तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होगा MgOH2। इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। अब आप हमें मुझे कमेंट करके बताना कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज कहाँ किया जाता है। इससे पहले हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो उससे पहले मैग्नीशियम को हमेशा सैंड पेपर से अच्छे से साफ कर लेना है, क्योंकि मैग्नीशियम जब एयर की प्रेजेंस में रहता है तो उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है, जिससे कि उसको जलाने में हमारे को प्रॉब्लम होती है। तो अब हम उसी एक्टिविटी को परफॉर्म करके भी देखते हैं कि जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है वो सही से रियल में किस तरीके से एक्चुअली होता है। अब हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं। इसके लिए मैंने एक मैग्नीशियम रिबन लिया है और मैंने एक सैंड पेपर लिया है। स्टार्टिंग में हमें पहले सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को रब करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर जमी हुई है जिसको हमें हटाना जरूरी है। मैंने ये काम कर लिया है और इसके बाद में ये काम मैंने पहले ही करके रख लिया था, तो मैं इसी के साथ अभी आपको आगे करके बताऊंगा। इसके लिए मैंने एक बर्नर लिया है, बर्नर से मैं इसको जलाऊंगा और इसके बाद में आगे की जो भी चीज़ें होंगी उसको मैं एक एक करके आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो मैंने मैग्नीशियम रिबन को जलाना स्टार्ट कर दिया है। आप इसको डायरेक्टली आँखों से मत देखना, क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हीट और लाइट इमिट होती है जो कि आँखों को डैमेज करती है। तो मैं भी अभी आँखों को पीछे की तरफ कर लूँगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट निकल रही है और साथ में बहुत ज़्यादा लाइट इमिट हो रही है। इसके बाद में अभी जैसे ही ये रिएक्शन कम्प्लीट होगी तो आप देखोगे कि इसके अंदर एक वाइट कलर का पाउडर बनेगा जो कि हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होने वाला है। तो आप देख सकते हो कि इसका वाइट कलर का पाउडर इसके अंदर हमारे पास बन के तैयार हो गया है। ये वाइट कलर का पाउडर जो आया है ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये बेसिक इन नेचर होता है। इसको परफॉर्म करने के लिए अब ये तो अभी है यहाँ पे ड्राई स्टेट में है, तो हमारे को इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पानी मिला के लिक्विड स्टेट में लाना पड़ेगा और फिर हम रेड लिटमस पेपर को क्या करेंगे, इसके अंदर डुबो के देखेंगे कि वो ब्लू के अंदर कन्वर्ट होता है या नहीं होता। तो अभी मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर लिया। जैसे ही मैं इसमें पानी ऐड करूँगा तो अभी ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को के अंदर जब मैं रेड लिटमस पेपर को डुबो के देखूंगा तो आप देख सकते हो इसका जो कलर है धीरे धीरे हल्का ब्लू कलर का होने लग गया है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। धीरे धीरे इसके कलर में चेंजेज आने लग गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो नेचर है वो बेसिक होता है। तो अब आपके लिए एक सवाल है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर। तो ये अभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है और उस ऑक्साइड की लेयर को हटाना पड़ता है जिससे कि आसानी से जल सके। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से आगे की सभी एक्टिविटीज़ को देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। इसी तरीके से साइंस के को प्रैक्टिकली समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।